नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आई नजर डालते हैं हमारे खास प्रोग्राम सियासी दंगल पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति के दिग्गज और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनको श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा, चाहे पीएम मोदी हों या फिर सीएम योगी, सभी ने नम आंखों से कल्याण सिंह को नमन किया। वहीं विपक्ष से कल्याण सिंह की दुर्विरोधी रही मायावती ने भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में कोई बना है तो वो है अखिलेश यादव, जिन्होंने कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करना उचित नहीं समझा। राजनीतिक गलियारों में अखिलेश यादव की परिपक्वता पर सवाल खड़ा होना शुरू हो गए हैं कि क्या राजनीति में इतना विरोध करना सही है, या फिर एक खास वर्ग को लुभाने के लिए अखिलेश को कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करना ठीक नहीं लगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह नहीं रहे। लखनऊ से लेकर अलीगढ़ तक उनको श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती समेत कई नेता पहुंचे, लेकिन समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव कल्याण के आवास पर श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के परिवार ने दूरी क्यों बनाई, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो एक वर्ग विशेष को साधने के बारे में अखिलेश यादव से बड़ी राजनीतिक भूल हुई है। कम से कम एक राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति और नैतिकता में फर्क तो समझ में आना ही चाहिए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे कल्याण सिंह का निधन शनिवार रात को हो गया था। वो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। रविवार सुबह सबसे पहले मायावती ने कल्याण सिंह के घर पहुंचकर सबको चौंका दिया। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और कल्याण सिंह हमेशा से ही एक दूसरे के थोर विरोधी रहे। कल्याण और मायावती ने कई मंचों पर एक दूसरे की कड़ी आलोचना भी की, लेकिन कल्याण के निधन के बाद मायावती न केवल उनके आवास गईं, बल्कि कल्याण के पुत्र राजवीर सिंह और उनके परिजनों को सांत्वना भी दी। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद यदि लखनऊ के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि आखिर अखिलेश यादव कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर क्यों नहीं गए, सपा के सूत्रों ने बताया कि अखिलेश यादव लखनऊ से बाहर थे, लिहाजा वो जा ना पाए। बताया जा रहा है कि अखिलेश सैफई में थे, रक्षाबंधन पर्व की वजह से वो सैफई गए थे। लेकिन सियासी गलियारों में इसके भी तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। लोगों के बीच ये चर्चा है कि क्या अखिलेश यादव ने चुनाव में अपना नफा नुकसान का आकलन करके ये कदम उठाया या और ही मजबूरियां थी। एक वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार अखिलेश वोट बैंक के लालच में मानवता और नैतिकता भी भूल गए। उन्हें कल्याण सिंह के घर जाने से परहेज नहीं करना चाहिए था। सीएम योगी भी मुलायम सिंह का हाल पूछने अक्सर जाते रहते हैं। एक राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति और नैतिकता में फर्क तो दिखना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में कल्याण सिंह और मुलायम परिवार के बीच चोली दामन का साथ रहा है।
राम मंदिर आंदोलन के बाद जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा गिराया गया, तब कल्याण सिंह ही सीएम थे। इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में यूपी की सियासत में एक दौर ऐसा भी आया जब कल्याण सिंह ने मुलायम से हाथ मिलाकर समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन ये बात अलग है कि वो ज्यादा दिन तक सपा में नहीं रह पाए। सपा से अलग होकर उन्होंने नई पार्टी बना ली थी। लेकिन राजनीति में एक चीज हमेशा देखने को मिली है, जब कोई बड़ा नेता मरता है तो सभी पार्टी के नेता उसे श्रद्धांजलि देने उसके घर जाते हैं। लेकिन यूपी के दिग्गज सियासी खिलाड़ी रहे कल्याण सिंह के निधन पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का उनके आवास पर ना जाना कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये जरूर चर्चा में ला रहा है कि अखिलेश यादव में अभी वो परिपक्वता नहीं आई है जो बड़े नेता में आनी चाहिए। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।